ये हमारा कंपनी आईएम गुड़गांव ने बनवाया। हाँ जी तो मैम लातिका ठकराल जी जो मुख्य हमारे मैम हैं, जिन्होंने ये एक प्लानिंग किया कि हम इस वेस्टेज प्लास्टिकों को किस तरह से हम रिसाइकल कर सकते हैं, लोगों को जागरूक करें ताकि हमारा ये सिटी जो गुड़गांव है ये कचरे से मुक्त हो सके, ध्वनि मतलब जो प्रदूषण बन रहा है उससे मुक्त हो सके। लोगों को जागरूक करने के लिए ये हम वेस्टेज प्लास्टिकों से ये तरह तरह की डिजाइन करके एक वो इक्विपमेंट बनाए जो मतलब यही हमारा उद्देश्य था कि लोग भी देखें और आए यहाँ जागरूक हों और हम इस गुड़गांव को स्वच्छ से स्वच्छ सिटी बना सकें। ओके जी, थैंक यू। जिसने ना इस गार्डन को इतनी खूबसूरत से डिजाइन करा हुआ है, एंड ये डिजाइन कैसे हुए पता है? जो आप घर के कचरे फेंकते हो ना, जो प्लास्टिक की प्रोडक्ट होती है, जो अपनी ग्लासेस होती है, जो आयरन होती है, वो सारे चीज़ यहाँ कलेक्ट करी जाती है एंड इससे इतनी अच्छी चीज़ बना सकते हैं। सो लुक, ये एक बड़ा सा रूम बना गया है वो फुल्ली कचरे से, आप देख सकते हो। ये सारे कचरा है। यस, वी कचरा जो हम लोग घर से बाहर फेंकते हैं उनको रिसाइकल नहीं करते, ये रिसाइकल नहीं हो रही है, बट इसको इतनी अच्छे से बनाया गया है ना, इतनी अच्छे से, यू कांट इमेजिन। सो जब भी ऐसा कुछ फील हो ना कि ये चीज़ कचरा है, वो चीज़ कचरा है, डोंट मेक इट, उसको एक नया आकार दो और ये इतनी खूबसूरत बन जाती है। सारे लोग यहाँ आते हैं विजिट करने के लिए। ओके, बॉडीज में सारे हार्डवेयर की जरूरत लगा हुआ है। सो कुछ भी वेस्ट नहीं होता, इफ़ यू थिंक दैट यू कैन डू समथिंग, इज वेस्ट तो इज़ द बेस्ट ऑप्शन टू डू।